नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AK4 Academy में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको पूरा का पूरा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का भाषा और शैली और साहित्य में स्थान पूरे के पूरे एक ही वीडियो में और पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की। तो इसमें दो रचनाएं दी हुई हैं, इसमें दो रचनाएं पूछा जाता है आपके पेपर में, आपके पूरे के पूरे 100 to 100 आ जाएंगे। तो पहला है कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, हल्दी दूध और अच्छत। दोस्तों आप फटाफट देख लीजिए और इसी तरह हम भाषा देख लेते हैं। तो भाषा आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो रहा है भाषा, मिश्र जी मिस्त्री लिखा है यहाँ पे, गलत हो गया है, मिश्र जी हो गया यहाँ पे। मिश्र जी की भाषा में विषय के अनुसार विविधता पर लक्षित होती है। आपकी तस्मा प्रधान खड़ी बोली, तस्मा खड़ी बोली और तद्भव विदेशी शब्दों एवं देशा शब्दों के आवश्यकता अनुसार अपनाया गया है। भाषा की ताजगी, युक्तियों का चमत्कार, भंगिमा की शुद्धता ने आपके निबंधों में संपन्न सीता का अद्भुत गुण पैदा कर दिया है। मिश्रा जी की भाषा में कुशल पारखी है, इसलिए जिस स्थान पर जो शब्द आना चाहिए वह वहीं प्रयोग हुआ है। जो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हैं, इनकी भाषा विषय के अनुसार विविधता पर लक्षित है, यानी इनकी भाषा विषय के अनुसार विविधता पर लक्षित होती है। आपकी तस्मव यानी यहाँ पास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पास क्या होगा, तस्मव तस्मस होगा, तस्मस तस्मस प्रधान खड़ी बोली में तद्भव विदेशी व देशी शब्दों का आवश्यकता अनुसार अपनाया गया है, यानी इसमें तस्मव एवं तद्भव विदेशी व देशी शब्दों के आवश्यकता अनुसार अपनाया गया है। भाषा की ताजगी, व्यक्तियों का चमत्कार, जो इसमें भाषा की ताजगी है, इसमें भाषा की जो ताजगी व्यक्तियों का चमत्कार, भंगिमा की शुद्धता ने के आपके निबंधों को संपन्न सीता का अद्भुत गुण पैदा कर दिया है। मिश्र जी की भाषा में कुशल पारखी है, इसलिए जिन स्थानों पर जो शब्द आना चाहिए वह वहीं प्रयोग हुआ है। दोस्तों आप फटाफट भाषा जो आपके ये मिश्र जी की भाषा दिया गया है आपके स्क्रीन पर, तो इसे एक बार और देख लेते हैं। मिश्र जी की भाषा में विषय के अनुसार विविधता पर लक्षित होती है। आपकी तस्मस प्रधान खड़ी बोली में तद्भव विदेशी देशी शब्दों के आवश्यकता अनुसार अपनाया गया है। भाषा की ताजगी, युक्तियों का चमत्कार, भंगिमा की शुद्धता आपके निबंधों में संपन्न सीता का अद्भुत गुण पैदा कर दिया है। मिश्र जी की भाषा में कुशल पारखी है, इसलिए जिन स्थानों पर जो शब्द आना चाहिए वह वही प्रयोग हुआ है। यह हो गया भाषा। इसी तरह हम शैली देख लेते हैं। तो शैली जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, भावात्मक शैली, पहला पॉइंट क्या है, भावात्मक शैली। मिश्र जी की ललित निबंधों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। भावुकता पर पूर्ण होकर आप पाठक को अपने साथ भाले जाते हैं। इसमें यत्र तत्र गद्य काव्य का कौन सा आनंद अनुभव होता है। जो मिश्र जी की भावात्मक शैली है, तो मिश्र जी की ललित निबंधों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। भावुकता पर पूर्ण होकर आप पाठक को अपने साथ भाले जाते हैं। इसमें यत्र तत्र गद्य काव्य में कौन सा आनंद का अनुभव होता है, भावात्मक शैली। विचारात्मक शैली, विचार प्रधान गुण गंभीर विषय का विवेचन इस शैली में प्रयोग किया गया है। इस शैली के बाद कुछ लंबे हो गए हैं, किंतु इसमें स्पष्टता व गुण का विद्यमान है। दोस्तों जो इसमें विचारात्मक शैली है, तो विचार प्रधान गुण गंभीर विवेचन का इस शैली में उपयोग किया गया है। इस शैली के बाद कुछ लंबे हो गए हैं, किंतु इसमें स्पष्टता व गुण विद्यमान है। समीक्षात्मक शैली, तो चमक रचनाओं इस शैली में दर्शन होते हैं। इस शैली की भाषा तस्मस प्रधान शुद्ध साहित्यिक हो गई है। जी दोस्तों, इस समीक्षात्मक शैली जो है, तो इसमें चमक रचनाओं की शैली को दर्शन हो जाती है। इस शैली में भाषा के तस्मस प्रधान शुद्ध साहित्यिक बोली हो गई है। विश्लेषणात्मक शैली, जी दोस्तों इसमें देख लेते हैं विश्लेषणात्मक शैली। जी दोस्तों, विषय का विश्लेषण करते समय इस शैली का प्रयोग किया गया है। इस शैली की भाषा सरल सुबोध ओवर स्पष्ट है, दोस्तों अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लें। आपको न्यू अपडेट और पेपर के
भी कुछ अपडेट्स हमारे टेलीग्राम पर दिए जाते हैं, तो आप फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरे के पूरे नोटिफिकेशन अपडेट दिए जाएंगे। साहित्य में स्थान आप देख सकते हैं, साहित्य में स्थान क्या है, तो साहित्य में स्थान मिश्र जी की ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। साहित्य के साथ साथ भाषा विज्ञान में वे पंडित थे। उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्राचीन संस्कृत साहित्य के समयामयिक दृष्टि को देखते थे और ये मानवता के मोती निकाल लाते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन उनके निबंधों के स्पष्ट परिलक्षित है। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि अगर शैली आपको याद करना है तो शैली के इन पॉइंटों को याद अवश्य कर लीजिए। यह हर एक चाहे आपका किसी भी कवि का आए, आप इन शैलियों के महत्वपूर्ण पॉइंट, ये महात्मक शैली, विचारात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, इन शैलियों को याद कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लिख देंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। यह साहित्य में स्थान आप लिखना ना भूलें, इसमें से दो नंबर आपको मिलते हैं, पूरे के पूरे दो नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।